प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आकर मंच से कह रहे हैं कि तुमने कृषि कानून वापस ले लिया, तो अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है क्या टिकैत साहब को? और वो ये भी कह रहे हैं कि आंदोलन के कुछ मापदंड होते हैं, आप कह रहे थे कृषि कानून वापस लीजिए, उसके बाद आपने लेने के बाद भी आप हट नहीं रहे, दूसरी मांगे लेकर आ गए। बिल्कुल, देखिए वही है, जाहिर सी बात है, विज साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है? नहीं है, विश्वास तो है, जो उन्होंने तीन काले कानून वापसी लेने की बात करी, हमें तो विश्वास है कि वो ले लेंगे, हमने मैंने कब करा के वे नहीं लेने के? रखना दोनों को भाई, हमने ये कब कहा कि वे नहीं लेने के? तो फिर लड़ाई किसकी है? आपकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। एमएसपी पे जो कोरोना बीमारी आई, कोरोना के अस्पताल तो देश में थे नहीं, ठीक है बीमारी के हॉस्पिटल पहले थे, कोरोना एक बीमारी आई भयंकर, तो सब पूरा स्टाफ सब सरकारें लगी के पहले इसे पीट लो भाई, कोरोना आ गया तो ये काले कानून आ गए, पहले सब चीज हटके सबने पहले इसको दाबया, वह बीमारी खत्म होगी, अब जो दूसरे मसले हैं उन पर बातचीत कर लो, ये तो बीमारी अचानक आई है ना। पर आपकी इतनी बड़ी डेढ़ साल हमारा बर्बाद करा आपने, टिकैत जी आपकी इतनी बड़ी बात मानी गई तीन बिलों की, आपने कहीं भंगड़ा नहीं पाया, आपने कहीं ढोल नहीं बजवाया, आपने कहीं जलेबियां नहीं बांटी, राकेश टिकैत को ताकि सीधे सवाल रखना चाह रहे राकेश टिकैत से वो रख पाए, ये तो बीमारी का आंदोलन है, तो किसानों का आंदोलन तो अब शुरू होगा। कुमार कुणाल, आप आंदोलन चलता रहेगा, कुमार कुणाल मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मतलब अभी आंदोलन जारी रहेगा कब तक? ये ब्रिज साहब हमारी बात करवा थे भारत सरकार से, अरे साहब सवाल पूछना चाह रहे थे भाई, हम तो कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने जो कुछ पाप करे इनके पाप धुल जाएंगे, इन्हें जो पाप कर रखे वे सारे धुल जाएंगे, अब जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप सुनिए सब याद रखते हैं जी, मेरी बात को तो सुनिए ना, आप दौड़े का टाइम आ गया, हरियाणा सरकार का मेरी बात को तो सुनिए आप, कुमार कुणाल अगर आवाज पहुंच रही है कि आप कह रहे हैं कि किसानों के किसान क्या है कि हरियाणा, टिकैत जी आप मेरी बात को तो सुनिए, लिंक है शायद कुमार तक आवाज नहीं जा रही, मैं चाहूंगी ये बड़े काम करते हैं, चलाओगे ये करेंगे, सड़क खोदेंगे, तो भाई जब इतने काम कर रहे तो एक आधी बात हमारी भी कर दो, सिफारिश है हमारी भी बात कर लो सरकार से, जो 750 किसान शहीद हुए उनको कंपनसेशन मुकदमा और वहां सिंघू बॉर्डर पे जगह दे दे, हरियाणा के उसके बॉर्डर पे इन्हीं के हाथ में सब, और 27 तारीख को जब मीटिंग होगी तो क्या कुछ डिमांड आपकी रहेगी? ये सारी डिमांड रहेगी और उस पर एक कमेटी बन जाएगी, जो कमेटी और मामलों की बातचीत करेगी भारत सरकार। हाँ ओके सीधा सवाल आपसे अनिल विज सवाल पूछना चाह रहे हैं, जरा मैं आपको कराता हूँ कि क्या पूछना चाह रहे हैं। कुमार कुणाल मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी विज साहब पूछे। हाँ जरा ये जो आपने ईपी लगाया जिससे मैं आपको कनेक्ट कर पा रही हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, उनके काम में लगा देते राकेश टिकैत के, तो अनिल विज साहब और राकेश टिकैत सामने सामने बात कर लेंगे, ये अगर पॉसिबल हो तो कर दे। आप सीधे वो सामने क्यों करवा, वो नहीं लगाना चाह रहे, वो सवाल हमारे जरिए पूछना चाह रहे। ठीक है ऐसे भी कर लेते हैं। अनिल विज साहब क्या पूछ रहे थे आप? विज साहब आपने पूरा सुना, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं मैं टिकैत जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी इतनी बड़ी मांग तीन बिलों को वापस करने की पूरी हो गई, आपने कोई भंगड़ा नहीं पाया, आपने कोई ढोल नहीं बजवाया, आपने कोई जलेबियां नहीं बांटी, अगर आप करते तो लगते भी इतनी बड़ी बात मांगी गई, जो और बातें रह गई हैं वो भी सरकार के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, सरकार हमेशा बात करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन आप ये तो बात करते प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए तो धन्यवाद करते और झूम के धन्यवाद करते कि ये हमारी इतनी बड़ी मांग को प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द मान लिया। आप टिकैत जी आप इस बात में चूक गए, आपने नहीं किया। कुमार कुणाल पूछिए जरा टिकैत साहब से। मैं इनसे सीधे पूछता हूँ, वे साहब कह रहे हैं इतनी बड़ी मांग आपकी मान ली प्रधानमंत्री ने, आपने भंगड़ा नहीं पाया, आपने जलेबियां नहीं बटवाई, आपने ढोल नहीं बजवाए, कम से कम शुक्रिया तो कर देते, थोड़ा जश्न तो मना लेते। अगर इनको इतना सामाजिक ज्ञान हो जाता तो फिर ये राइड ही नहीं रहती।
मतलब जो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो जाए, जो बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, उसको गांव का ज्ञान नहीं होता। जिनके 750 लोग मर जाते हैं वे भंगड़ा पाते हैं क्या? जिस दिन हमारे जवान वहां शहीद होते हैं तो सरकार भंगड़ा पाती है क्या? इनको इसीलिए सामाजिक ज्ञान नहीं है। ये बड़े पढ़े लिखे, दिल्ली की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये गांव का स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं। ये हमारे घर में मौत हो रही, इन्हें भंगड़े की पड़ रही है, भंगड़ा पाओ। अरे हमने एक आगे एक बड़ी बीमारी थी, कोरोना बीमारी देश में से खत्म होगी तो भंगड़ा पाल है। ये तीन काले नहीं, आपने कहीं पर भी किसी भी तरह से किसी भी तरीके से आपने एक बार भी, जो भी आपका तरीका था, आपने एक बार भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद नहीं किया कि ये तीन बिल आपने मांग हमारी मान ली। एक बार भी नहीं किया।